गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू इवियन नानोज व्लॉग। और आज है सैटरडे और आज भी है ऑफिस मेरा, मतलब नानू का नहीं है। और यहाँ नानू कर रही है चॉपिंग, क्योंकि लंच ले जाना है मुझे। नानू से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा, पाली बच्ची नूनी, गुड मॉर्निंग। हो जाती है। तो अब हम तैयारी कर ले खाने की। मैं हो चुकी हूँ रेडी। ऐसे नहीं जाऊँगी, इसके ऊपर जैकेट पहन के जाऊँगी ऑफिस। और ब्रेकफास्ट बना चुके हैं नानू, तो देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है। मामा क्या बोलती है, वो क्या बनाऊँ मैं ड्रामा, आज ब्रेकफास्ट में क्या है मामा, क्या बनाऊँ मैं ड्रामा, इस छोटी छोटी भूख को मिटाओ ना। तो यहाँ बना है पोहा मेरा, मिल्क बॉर्नविटा वाला, ये वही दूध रोटी की शक्ति वाले बिस्किट, और ये नानू की कॉफी, और ये नानू टेबल पे। सो हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट फटाक से, कहाँ तुम, हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और उसके बाद अभी हमें एक शूट भी करना है। शूट करने के बाद मैं यहाँ से निकलूंगी, तो फटाक थोड़ा सा लेट हो गया, जल्दी से वीडियो बना रहे हैं और हम मिलेंगे ऑफिस में। बाय बाय। पहुंच चुके हैं ऑफिस और आज हो गया एक छोटा सा एक्सीडेंट, वो बताएंगे शाम को। चलो बाय बाय। सो ये है मेरा ऑफिस डेस्क, और ऐसे ही मैं मेजरअप रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने सामने डेस्क पे कुछ लगाया हुआ है, फोटोज विद सम मिनिएचर्स, अगर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं तो जल्दी देख के बताओ। सो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और देखो यहाँ पे ढोलो कैसे मिलता है। अरे पूरा की खोल दी, जब आ जाती है मम्मा घर तो ऐसे मिलता है। शोना का पहला काम घर आते ही मम्मा से खानी है चीजी, फैन भी चला दी, आवाज आ रही है। नानू के पैर में चोट लग चुकी है, जैसा कि हमने बताया था कि आज हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा है, हम बच गए बस, हमारा एक्सीडेंट होने वाला था आज, नहीं होने वाला था। तुझे भी लगी थी, तू बच गई। नहीं मेरे को नहीं लगी, लगती पीछे ही जा। देखो पट्टी बांध के बैठी है ये, बनते का बिगाड़ बहुत टाइम बाद। यहाँ पे ये देखो चल रहा है फोटोशूट की तैयारी, बहुत मेहनत कर रही है हमारी लड़की, सेटअप कर रही है, सेटअप करना पड़ता है गाइस। और ऑफिस से आते ही मेरे को ही सबसे पहला ये काम है कि मुझे शूट करना है, और आया आज खाने में ये शूट के लिए। ओहो यम यम यमी, वो बॉन का नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बी बर्गर का। तो ये है फ्राइज, ये है पनीर के चीज बॉल, पनीर बॉल्स ना, पनीर पॉपकॉर्न, पनीर पॉपकॉर्न, ये दो बर्गर है, और ये आई है एक इट्स काइंड ऑफ नॉन अल्कोहलिक बियर। मैंने आज क्या पहना है, ये नाइट सूट पहना है, इधर दिखाते हैं। तो ये है मेरा आज का आउटफिट, मतलब नाइट सूट में ही हम करने वाले, दिखाने वाले, क्योंकि घर का, घर में हम कर रहे हैं इसलिए। और ये पीछे से मुझे आ रही है, ये गंदी लड़की है क्योंकि, और ढोलू ये रहा, ढोलू बोलू नूनू, अभी खाओगी बर्गर, आजा फटाक से। गाइस ये देखो, इतना सारा खाना सामने होने के बाद भी इसे वेट करना पड़ता है कि खाएं कब, क्योंकि इसका शूट बाकी होता है। शूट और अभी शूट चल रहा है, शूट चल रहा है। यस, ये जो मैडम बैठी है यहाँ पे, ये शूट के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें बीच में थोड़ा बहुत खा भी ले रही है। तूने आके हैंड वॉश किया था, वेरी गुड। तो चलो मिलते हैं। हम पूरी तरीके से काले काले दिखते थे इसके फोन में, कोई खाने नहीं दिख रहे, आप पूरी तरीके से काले दिख रहे हैं। अभी ये खाना यहाँ पे आ चुका है, पता नहीं मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, दिख रही हो, अच्छा मैं दिख रही हूँ। तो पहले खा लेते हैं, थोड़ी सीरीज देख लेते हैं, ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं, उसके बाद एक ही एपिसोड देख पाएंगे और 10 बजे फिर हम आपके साथ लाइव होंगे, मतलब आप लाइव जो हम कल ऑलरेडी आपको आपसे बातें गुफ्तगू कर चुके हैं वो वाले लाइव है 10 बजे, तो अभी हो रहे हैं 8:30 और खाना हम खाने वाले हैं जो लग रहा है बहुत यम्मी, और एक दो चीजों के आंसर
मैं उस लाइव के बाद जब ये वीडियो बनेगी तब देंगे। ओके एवन वी कांट वेट टू सी यू लाइव। और 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे हमें ना इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि गाइस जल्दी से लाइव आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ, कांट वेट टू। और हम भी ऐसे, हमें भी ऐसा हो रहा है कि 10 बजने वाले हैं तो हम अपनी सीरीज छोड़ चुके, हम सीरीज देख रहे थे और आज हमने सोचा कि अपनी सीरीज खत्म कर देंगे। तो बट हम आ गए हैं, हम बस लाइव आने वाले हैं, इसके साथ मैं ऐसे आ जाएंगे। और बोलो तुमको कुछ कहना है? और मेरे को बहुत सारी चीजें कहनी है बट अभी ना 2 मिनट 3-4 मिनट ही बचे तो पहले मैं यहाँ पे सेट। और गाइस हम ना अभी, आपने इतना व्लॉग तो देख लिया तो आप ना ये देखोगे कि हम आज लाइव में कुछ कुछ लोगों को अगर हमने ज्वाइन करवाया तो यहाँ देखना, अगर उनमें से आप भी हो सकते हो हमारे इस वीडियो के व्लॉग, मतलब इस व्लॉग में हमने किस किस को जो ज्वाइन किया और इनका वीडियो शूट किया है तो वो यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। तो होप कि उनकी लाइट ना गई हो या वो ब्लैंक हो या उधर साइड नेटवर्क ना हो, बस देख लेते हैं। ऑफ कोर्स उनका तो नहीं लेंगे जिनकी लाइट वाइट चली जाएगी, जो प्रॉपर हमें दिखेंगे जिनकी जिनसे बातें हो रही होंगी। तो जस्ट 5 मिनट्स टू गो, बस टाइम होने वाला है, हम ये तो हम आते हैं गुफ्तगु करने आपसे सीधा। और यहाँ वाले व्लॉग में आप देखिए कि हमने कल किस किस को लिया है। अब और यहाँ लाइट पीछे चली गई होगी, बाक तो हम जल्दी से अब कर लेते हैं लाइव और यहाँ से मैं जाती हूँ और लाइव में आती हूँ। क्या आप दोनों मेरे भाई बहन बन सकोगे? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या बताया, देख के मजा आ जाता है। ओह थैंक यू, लुक सो क्यूट। एंड वो ईवी मैम ने आई थिंक एक, मैंने आपको कोई ब्लॉग लिखा था उसमें क्वेश्चन आंसर्स वाला था जिसमें आपने बताया था कि नानू की ओल्ड पिक्चर्स में लाइक बहुत लंबे बाल थे, लाइक तो मैंने आपको प्रोफाइल स्टॉक किया था नानू। आप कहाँ से हो सीनू? हाँ जी, कहाँ से हो आप, कैसे हो? हाँ? क्या हुआ, हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या? हम अच्छे नहीं लग रहे आपको? अच्छी नहीं लग रही, वीडियो देखती रहती हूँ, बहुत अच्छी। थैंक यू। ऐसे यहाँ चल रही है मेरी पैम्परिंग फिर से, आज आशु मम्मा को बहुत प्यार कर रहा है, कितना प्यार है, कितना प्यार कर रहे ना, देखिए देखिए चट्टू मट्टू ऐसे करता है ये। अशु बस बेटा बस चलो बस, तो मैं आ रही हूँ, वीडियो में आ रही हूँ, छोना बच्चा वीडियो में आ रहा है मम्मा के साथ, देख रहे हो आप, तीनों आ गए, कुंचुड़ की कुंचुड़ू, ये छोना बच्चा है मेरे माँ। फाइनली लाइव सेशन हो चुका है खत्म और आपने देख ही चुके हैं अभी पहले कि हम लोगों ने कितने लोगों से बात की और एक्चुअली ये सारे वही लोग हैं, मतलब जिनसे हमने आज, जिनको हमने लाइव लिया और जिनसे बात हुई एक्चुअल में। लाइव तो औरों को भी लिया था बट वो आ नहीं पाए थे कुछ रीजंस की वजह से, बट नेक्स्ट टाइम जब भी हम लाइव आएंगे मैं चाहती हूँ कि सब हमारे साथ लाइव पे आए और हम डेफिनेटली उनको अपने ब्लॉग मिलेंगे। एनीवे नानू तुमको कुछ बोलना था? अरे मैं कुछ बोलने वाला था तो कंटिन्यू करो, मेरे को निकालना है एक्चुअली, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा जो भी बोलना है तुमको। ओके ओके यू कंटिन्यू, आई विल ग्रैब यू, सो सॉरी मजाक कर रहा हूं। एनीवेज तो नानू को कुछ बातें करनी है कुछ दो, एक दो कमेंट्स के ऊपर, तो नानू इतने वो कमेंट ढूंढ रही है क्योंकि उसको याद नहीं है तो अभी वो ढूंढ ले फिर वो बात करेगी। बट उसके अलावा आज का दिन आप मेरा ऑफिस भी देख चुके हो, मतलब मेरा डेस्क देख चुके हो, अगर आपने मेरे डेस्क में कुछ अच्छा नोटिस किया तो आप प्लीज कमेंट में बता देना। ओके गाइस सबसे पहली बात देखो यार, यशंस हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और आप लोग हमें भी उनके ब्लॉग से ही जानते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके ब्लॉग से ही हमें जानते हैं, बट एक चीज है जो मैं अभी क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि यार रचा यशु की एक्टिंग करती है, उसको कॉपी कर रही है, सेम है, वो सब बंद करो हरकतें, ऐसे मोस्टली मुझे कमेंट्स दिखते हैं। सो गाइस वो डिफरेंस होता है, मोस्ट ऑफ लड़कियां ऐसी हरकत करती हैं जिनसे वो प्यार करती है उनके साथ। सो अगर आपको वो चीज नहीं पता है तो हो सकता है कि वो लड़की की कमी आपकी लाइफ में है या फिर वो लड़की आप खुद नहीं हो। सो इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई किसी की कॉपी कर रहा है, वो उनके उनका नेचर होता है, वो एक टाइम के बाद ना वो खुद ही अंदर से निकल के आता है यार कि वो ऐसी हरकतें हो रही हैं, ऐसे बच्चों वाली आवाज आती है। सो यशु की भी जो है ना वो उसकी नेचुरल चीज है,
वो भी कभी एक्टिंग नहीं करती है उस चीज के बारे में नहीं है, हम उससे लाइव मिल चुके हैं, हमें पता है बहुत अच्छे से। बहुत लोग, मैं बताती हूँ यशल्स के पेज पे भी बहुत लोग यही बोलते हैं यशु को कि ओवर एक्टिंग करती है, ये बच्चों की नौटंकी करती है। तो गाइस अगर आप मुझे अभी ऐसा बोल रहे हो, आई रियली डोंट केयर, आई डोंट नो नानू इस बात का एक्सप्लेनेशन भी क्यों दे रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोल भी क्यों रही है, तो एनीवेज आई रियली डोंट केयर। एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है, बात ये है कि भाई कुछ लोगों को समझ आनी चाहिए कि नॉर्मल लड़कियां क्या होती हैं। वो जब इट्स नॉट कंपल्सरी नानू की हर एक लड़की ऐसी होती है, मैं मोस्ट ऑफ को देखा है जब वो कंफर्टेबल होते हैं ना किसी के साथ, सो दे एक्ट चाइल्डिश किडिश। एक्ट करना और वॉइस निकालने में थोड़ा डिफरेंस होता है, पर मेरे को मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें यहाँ पे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए अगर वो हमारे लिए कुछ भी बोल रहा है तो। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है सो दैट्स ओके, क्योंकि मेरा आवाज तो भाई मैं तो अलग अलग एक्सेंट में बात भी करती हूँ एनीवेज। तो अभी तो आपने एक पागलपन देखा है, दूसरा पागलपन देखो तो आप बोलोगे ये फॉरनर जैसा बनने की कोशिश कर रही है। मैं दूसरे की बोलेंगे कि सामने से अगर कोई भी बोले तो बस जाके एक लाइन बोल दो, ठीक है अपने बाप को मत सिखा। आप मेरे को लेके क्या सोचते हो, क्योंकि अगर मैं ये सोचने बैठ गई ना तो गाइज बहुत लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो हम लोग ब्लॉग ही ना शूट करें, हम अपने जॉब छोड़ दें। बहुत लोग बोलते हैं लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, फिर किसी को ये नहीं करना चाहिए। टिपिकली मैं लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ ये चीज, तो अगर ऐसा सबके नेगेटिव पॉइंट्स हम लेने लगेंगे ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो ये आपका थॉट है, ये आपके आपके अंदर का लाइफ थॉट प्रोसेस है जो आपको ऐसे नेगेटिव बोलने पे मजबूर करता है। और हम मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी की चीजों से भी, तो आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ। जियो और जीने दो वो उनके लाइफ में यार, वो बोलेंगे कोई बात नहीं। आपका एक लाइन मैंने लास्ट ब्लॉग में डलवाई थी ना, जब लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे कहना, तो आप बोलिए हम सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे आज के मतलब कल के व्लॉग में जो आपको आज मिला, मतलब आप लोग देख चुके हो कल जिस व्लॉग को, सो सॉरी, उसमें मेरे लिए बहुत सारे कमेंट्स आए पहली बार लाइफ में। थैंक यू गाइस, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं सारे व्लॉग्स में दिखने वाली हूँ, जहाँ पे नहीं भी लेना चाहिए वहाँ पे मैं ऐसे ऐसे घुस के आ जाऊंगी, तो डोंट टेक एनीथिंग ब्ला 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 ब्ला। सो थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट यार, मतलब देख रहे हो सुन रहे हो पूरे एंड तक जा रहे हो, बहुत जल्दी से 10K करा दो हमारे, जैसे यशु बोलती है ना हमारे 100K करा दो, यशु पायल बोलते हैं हम तो 10 पे 10K बोल रहे हैं, एक जीरो कम है, वो जीरो के लिए थोड़ा टाइम है, हम ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आई नो, बट अभी के लिए हम वेरी सैटिस्फाइड, वैसे अभी हम अभी भी सैटिस्फाइड है कि 7000 हो चुके हैं, बट 10K हो जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा ना। यस अशु आराम से। सो ये वाला व्लॉग एंड करें अभी, ओके गाइस, तो यहाँ करते हैं ये वाला व्लॉग एंड, क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी सीरीज देखने। आज है सैटरडे नाइट और सैटरडे नाइट को हम देखते हैं मूवी शूवी, तो हम जा रहे हैं सीरीज देखने। आप भी 4 बजे व्लॉग देखने के बाद आपको जो करना है करें, या फिर आप नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार कर सकते हो आप हमारे, वी रियली डोंट केयर। एनीवेज थैंक यू, इसमें कैसे आए, इसने बफ मारा, छोना ने बफ मारा है आज, बहुत गंदा था, सारे चिकन वाला स्मेल आ गई इसकी, अभी मेरे मुंह पे आ गया, शोना ने बम मारा, मैंने पहली बार ऐसे देखा उसको, मैंने तो बहुत बार देखा, शोना ने बम मारा है। ये अम्मा होती है ना, मेरे बच्चे पहली बार अपने पैरों पे चला है, ओ माय गॉड, मैंने इसकी पहली पॉटी की भी बोतल ले रखी है। नोनी बच्ची पारी, इसके पहले बात की, इसके पहले पोती की, इसकी पहले बहुत सारी चीजों की, वॉक की, पहले टॉयज की, भाई सारी चीजों की है इसके पास। एक बार हम ऑस्कर के लिए भी ब्लॉग बनाएंगे, ऑस्कर का ब्लॉग, एक एक मतलब आर अ डे विद ऑस्कर ऐसा, हाँ, और उसमें हम बचपन से लेके सारे तक की फोटोज भी ऐड करेंगे, वीडियोस भी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। Anyways, guys, चलो ठीक है, यहाँ करते हैं वाला व्लॉग, एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, आल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ईवी शर्मा surand.nanu एंड ईवी ऑस्कर, मैंने कल के व्लॉग में ईवी डायरी बोल दिया था, ईवी डायरी ऑस्कर डायरीज बोल दिया था। एनीवेज इट्स ईवी एंड यार, मेरे को ना सजेशन दिया है माही ने कि यार अपना एक हैशटैग बना लो विच इज नूवी, सो लेट्स सी, नूवी बना देंगे,
आप क्या बोलते हो बनाना चाहिए तो कमेंट करके बता देना। कमेंट करके बताओ कि हैशटैग नूवी कैसा लग रहा है, नूवी बनाए या ना बनाए। अगर आपको लग रहा है कि ना नूवी बना देना चाहिए तो इस कमेंट सेक्शन में नूवी हैशटैग की ना ऐसे सब में आ जाना चाहिए कि नूवी। आप जो भी कमेंट करोगे उसमें हैशटैग नूवी डालना, अगर अच्छे कमेंट्स आए तो विल स्टार्ट दैट हैशटैग नूवी। यस, हमारे सारे ब्लॉग में फिर हैशटैग नूवी होगा, अगर पसंद आए तो, अगर नहीं आया तो फिर हम देखते कुछ और बनाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टूडल्स।